नमस्कार, गुड इवनिंग एंड वेलकम। देश के सबसे बड़े नेटवर्क पर आपके साथ मैं हूं मीना शर्मा। खबर वो नहीं है जो बताई जाती है, खबर वो है जो छुपाई जाती है, और छुपी हुई खबरों को सामने लेकर आते हैं हम हर रात 9 बजे। देश के प्रधानमंत्री के साथ जनता खड़ी नजर आ रही है तो विपक्ष 1977 की याद दिला रहा है। देखिए कितना विरोधाभास है जो खबर बताई जा रही है और जो पीछे का सच है। जब जनता ने 1977 में इंदिरा गांधी को धूल चटाई थी, कहा जा रहा है कि 2019 में मोदी जी का भी वही हश्र होगा, क्योंकि संसद के भीतर और बाहर विपक्षी जुगलबंदी का पैगाम साफ है कि या तो फैसला वापस लो या फिर देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार रहो। 28 नवंबर को आक्रोश दिवस मनाने जा रहा है विपक्ष, तो सत्ताधारियों ने भी दो टूक कह दिया है कि ये मोदी का ऐलान है और झुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस फैसले का जो भी असर होगा, उत्तर प्रदेश का फैसला इससे जरूर प्रभावित होगा, ये साफ कर दिया आज मुलायम सिंह ने भी। यूपी के गाजीपुर से आज मुलायम ने अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया, लेकिन वहां निशाने पर पीएम मोदी ही रहे। सियासत से इतर सरहद पर भारतीय जाबाज पाक की नापाक हरकतों का माकूल जवाब दे रहे हैं। तो देश और दुनिया की दूसरी खबरों के लिए लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो, लेकिन शुरुआत इस वक्त की देश की बड़ी खबरों से। तीन के बाद एलओसी पर भारतीय सेना ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है और की जा रही है। सेना के हमले में अब तक पाकिस्तान के 5 पोस्ट तबाह हो गए हैं, वहीं उसके एक कैप्टन और 2 जवान भी मारे गए हैं। पाकिस्तान ने अपने 10 नागरिकों की मौत के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान ने भारत से डीजीएमओ स्तर की बातचीत की पेशकश की है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर आतंकियों की घुसपैठ की आशंका है। खुफिया एजेंसीज ने इस बाबत सरकार को सतर्क किया है। खबर है कि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल के आतंकियों ने बीते दिनों रावलपिंडी में मीटिंग की थी, जिसमें कश्मीर में आतंकी योजना तैयार की गई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने 2500 करोड़ रुपए की लागत से 12 ड्रोनियर प्लेन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जबकि 62 जिलों में 2871 करोड़ की लागत से 62 नए नवोदय विद्यालय बनाने की योजना को भी स्वीकृति दी गई है। इन विद्यालयों से 35,000 छात्रों को लाभ पहुंचेगा। बैठक में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से कहा कि वे डिजिटल ट्रांजेक्शन पर जोर दें और इसे जन आंदोलन बनाएं। संसद में कानून बनाए जाने के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। हालांकि सरकार की दलील है कि लोकपाल की चयन कमेटी में विपक्ष के नेता का होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य से अभी संसद में कोई विपक्ष का नेता ही नहीं है। नोट बैन के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सहित 13 विपक्षी दलों ने आज संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने नोटबंदी को बड़ा घोटाला करार देते हुए जेपीसी से जांच कराने की मांग की। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी को हिटलर कहा। नाराज विपक्ष ने इस मुद्दे पर 28 नवंबर को आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है। नोटबंदी को लेकर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम से सवाल किया है कि वे 100 करोड़ देशवासियों को परेशानी में क्यों डाल रहे हैं। मायावती ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से पीएम मोदी को तलब करने की मांग की है, तो मायावती ने राहुल गांधी की लाइन पर कहा कि उसी तर्ज पर कहा कि नोटबंदी में बड़ा घोटाला हुआ है। संसद के दोनों सदनों में आज भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा में मोदी की मौजूदगी के बावजूद विपक्ष शोर शराबा करता रहा, लेकिन पीएम खामोश रहे। हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम कल राज्यसभा में मौजूद रह सकते हैं और विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पीएम घमंड में चूर है। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में पार्टी के चुनावी अभियान का शंखनाद करते हुए मुलायम सिंह ने किसानों व्यापारियों के खिलाफ बताया इस फैसले को, नोटबंदी के फैसले को। हालांकि मुलायम की इस रैली में सीएम अखिलेश की गैर हाजिरी से कई सवाल खड़े हुए, लेकिन ये साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव अब नोटबंदी के फैसले के आसपास कहीं न कहीं इर्द गिर्द जरूर रहेगा। पीएम मोदी के इस फैसले को 90% लोगों ने सही माना है, ये हम नहीं कह रहे हैं।
92% लोगों का मानना है कि देश में कालाधन और भ्रष्टाचार है, वहीं 93% जनता पीएम के साथ फैसले में खड़ी दिख रही है। हालांकि 2% लोगों ने इस पर नकारात्मक राय भी रखी है, लेकिन सर्वे जो आया है वो 5 लाख लोगों के हिस्सा लेने के बाद सामने आया है और बाकायदा देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को धन्यवाद दिया है कि आपने इतनी बड़ी संख्या में सर्वे में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। डेबिट कार्ड ई वॉलेट पर अब सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। नाबार्ड जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को 21,000 करोड़ रुपए जारी कर चुका है। नाबार्ड के जरिए किसानों को पैसे देने की योजना है, इस बात का ऐलान आज आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने किया है। झारखंड विधानसभा में CNTSPT यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना काश्तकारी कानून में संशोधन विधेयक पेश होने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायक टेबल पर चढ़ गए और संशोधन विधेयक की प्रतियां सदन में फाड़ कर स्पीकर के ऊपर फेंक दी। पंद्रह में UPSC के 2 टॉपर फर्स्ट और सेकंड, जी हां फर्स्ट है टीना डाबी और दूसरे नंबर पर रहने वाले अतहर आमिर उल शफी खान शादी करने वाले हैं। अतहर आमिर उल शफी खान ने 2015 में दूसरी रैंक हासिल की है, टीना डाबी फर्स्ट है, अब दोनों शादी करने जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही है। नोटबंदी पर संसद के भीतर और बाहर जारी संग्राम के बीच पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। संसद भवन परिसर में बापू की प्रतिमा के सामने आज 200 विपक्षी सांसदों ने धरना दिया, तो जंतर मंतर से ममता ने पीएम मोदी को ललकारा। विपक्षी दलों ने ऐलान किया है कि वे 28 नवंबर को पूरे देश में आक्रोश दिवस मनाएंगे, लेकिन बीजेपी ने साफ कह दिया है कि इस फैसले पर दोबारा पुनर्विचार का कहीं कोई स्कोप नहीं है। आम तौर पर अपनी ढपली अपना राग अलापने वाले 13 विपक्षी दलों के लगभग 200 सांसद आज एक दूसरे का हाथ थामे नजर आए। मुद्दा था नोटबंदी के विरोध में धरना प्रदर्शन और जगह संसद परिसर में लगी बापू की मूर्ति। संसद की कार्यवाही शुरू होने में अभी 1.5 घंटे बाकी थे, लेकिन विपक्षी दलों ने समानांतर संसद से जाकर निगाहें जुदा जुदा थी, लेकिन निशाने पर रहे सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी। राज्यसभा को बताएं उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, प्रधानमंत्री नहीं आना चाहते, बहुत बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री अंदर आने से क्यों डर रहे हैं? इस डिसीजन के पीछे एक स्कैम है। हमें लगता है कि प्रधानमंत्री, उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने अपने लोगों को इसके बारे में पहले बताया है, तो उस पे JPC होनी चाहिए। इन्होंने जनता को, सारा हिंदुस्तान को बैंक की कतार में खड़ा कर दिया, जो कि ना तो हिंदुस्तान में ना दुनिया में कभी भी हुआ। 56 इंच का जो सीना था वो नकली न था, जो बड़बोलापन था। जिस तरीके से आज आदमी रो रहा है, जनता लाइन पे खड़ी कर दी गई, लोग मर रहे हैं, 75 के ज्यादा लोग मर चुके हैं। बापू की मूर्ति से पीएम मोदी की शिकायत करने के बाद विपक्षी कारवां बिखर गया, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जंतर मंतर पहुंच गए। गीतों और नारों की गूंज के साथ शुरू हुए धरने के मंच से ममता ने पीएम को ललकारा, तो शरद यादव ने भी उनके सुर में सुर मिला दिया। अच्छे दिन के लिए पहले वोट लिया, उसके बाद जनता को नोट लिख लिया, फिर वोट आ रहा है, मोदी जी जा रहा है, अभी से देश का आवाज है। चल बगान को मजदूर कौन से रास्ते में पड़ा हुआ, नॉर्थ बंगाल में जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में मजदूर का मजदूरी नहीं मिला, आप बताओ देश का लोग हम क्या करें? इससे सभी ज्यादा बड़ा हो गया है हिटलरी कायदा, ठीक है, हिटलर से भी ज्यादा हिटलर देश में बन गया। आप लोगों ने साल पड़ोसी का कमानना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। ट्रक वाला, ठेले वाला, रिक्शा वाला, जो छोटा दुकानदार है, उन सबके घर में आपने तबाही कर दी। एक एक खलियान, एक एक गली, एक एक खेत, किसान मजदूर
आपको सड़क पे आकर के जवाब देगा। वोट जब आएगा तब आएगा, लेकिन ये संग्राम चारों तरफ फट जाएगा। कांग्रेस चली गई थी नसबंदी पर, आप जाएंगे नोटबंदी पर। इसी बीच संसद के दोनों सदनों में नोटबंदी पर जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा कार्य स्थगन प्रस्ताव मंजूर न होने और नियम 56 के तहत चर्चा न कराए जाने से नाराज विपक्ष ने खूब शोर मचाया। हालांकि प्रधानमंत्री लोकसभा में सब कुछ सुनते रहे, लेकिन पूरी कुछ राज्यसभा का आलम भी जुदा नहीं रहा। यहाँ विपक्ष अपनी पुरानी मांग पर कायम रही कि संसद तभी चलेगी जब प्रधानमंत्री सदन में मौजूद होकर नोटबंदी पर पूछे जा रहे सवालों का जवाब दे। विपक्ष का तर्क था कि चूंकि फैसला पीएम के ऐलान से हुआ है, लिहाजा जवाब भी उन्हीं को देना होगा, लेकिन उपसभापति ने इस मांग को नामंजूर कर दिया। वहीं यूपी के गाजीपुर में अपनी पहली चुनावी सभा के जरिए सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भी नोटबंदी पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया तो वेंकैया नायडू ने कहा कि मोदी अपने फैसले से पीछे हटने वाले नेता नहीं है। विपक्षी नेताओं पर पलटवार करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि पीएम मोदी का विरोधी आजकल फैशन बन गया है। तो घमंडी का संगीता होता है, ये सिद्धांत है, प्रधानमंत्री मेहरबानी कर रहे हैं। ये जो पागलपन जो हो रहा है देश में, 74 लोगों की मौत हुई है, इसके खिलाफ आवाज उठाने का दबाव जो नीचे से आया वो सबको आज एकजुट किया पार्लियामेंट। इस देश में गरीब लोग मोदी जी के साथ हैं, इस देश में किसान लोग मोदी जी के साथ हैं, इस देश में गांव वाले मोदी जी के साथ हैं, बहुमत हमारा पास है, निर्णय सरकार ने गरीब लोगों के हित में लिया है। केजरीवाल ममता बनर्जी कह रहे हैं इसको वापस ले, वापस ले, वापस लेना मोदी जी का खून में नहीं है जी, कभी भी वापस नहीं लेंगे। जनता की मुश्किल और विपक्षी गोलबंदी के मद्देनजर सरकार ने नोटबंदी पर राहत की नई किस्त का ऐलान किया है। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव शक्तिकांत दास ने बताया कि अब डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, साथ ही 31 दिसंबर तक ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर भी सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने कैश वॉलेट की लिमिट भी दोगुनी यानी 20,000 रुपए कर दी है। दास के मुताबिक किसानों तक फंड पहुंचाने के लिए नाबार्ड जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को 21,000 करोड़ रुपए जारी कर चुका है और नाबार्ड के जरिए किसानों को पैसा दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी पर सरकार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर लगी याचिकाओं की सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इधर विपक्षी दल भी सरकार को राहत देने के मूड में नहीं है। 28 नवंबर को इन दलों ने आक्रोश दिवस मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत 28 नवंबर को सभी राज्यों में धरने प्रदर्शन होंगे। वहीं वाम दलों ने 24 से 30 नवंबर तक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। विपक्षी गोलबंदी से साफ है कि नोटबंदी मोदी सरकार की गले की हड्डी बनती जा रही है। देश की बात के लिए ईटीवी ने और अब बात करते हैं सीमा की। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हालत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन सेना प्रमुख राहिल शरीफ रिटायर होने से पहले पाकिस्तानी सेना एलओसी पर किस तरह कायरता दिखा रही है और क्यों दिखा रही है, भारतीय जवानों के साथ बर्बरता की क्या वजह है, अगर आप जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जैसे 29 तारीख करीब आ रही है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी बढ़ती ही जा रही है। उनतीस नवंबर को रिटायर हो रहे पाक सेना प्रमुख राहिल शरीफ ने फेयरवेल दौरा करना शुरू कर दिया है और इधर पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी BAT घात लगाकर भारतीय जवानों को निशाना बनाने में जुट गई है। पनामा पेपर लीक मामले में नवाज का नाम आने से और भारत के साथ तनाव बढ़ने से माना जा रहा था कि राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ सकता है, तख्ता पलट की आशंकाएं जताई जाने लगी थी। लेकिन ISPR के डायरेक्टर जनरल आसिफ बाजवा ने ट्वीट करके जैसे ही ये जानकारी दी कि राहिल शरीफ तय तारीख को ही रिटायर होंगे, पूरा पाकिस्तान हैरान रह गया। राहिल शरीफ रिटायर हो रहे हैं, नवाज को यह फैसला लेने की हालत में नहीं। इन हालात में
आईएसआई और आतंकी संगठनों को फ्री हैंड मिल चुका है। खबरों के मुताबिक रावलपिंडी में आईएसआई लश्कर और जैश के आतंकियों की एक बैठक हुई है। बैठक में भारत में घुसपैठ का मास्टर प्लान तैयार किया गया। आतंकियों को 50 डिग्री में घुसपैठ करने के लिए ड्रेस, ग्लव्स और स्लीपिंग बैग दिए जा रहे हैं। पाक रेंजर्स और बॉर्डर एक्शन टीम को बर्बरता की खुली छूट दी जा चुकी है। यही वजह है कि माछिल सेक्टर में शहीद हुए 3 जवानों में से एक राइफलमैन प्रभु सिंह का शरीर शत विशत कर दिया गया। 28 अक्टूबर को शहीद हुए मनदीप सिंह के शव के साथ भी ऐसा ही किया गया था। ये वारदात भी माछिल सेक्टर में अंजाम दी गई थी। 2013 में 2 जवान लांस नायक हेमराज और सुधाकर सिंह के शव के साथ भी बर्बरता की गई थी। जून 2008 में गोरखा राइफल्स के एक जवान का सिर कलम कर दिया गया था। 1999 में कैप्टन सौरभ कारिया के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई थी। शव के साथ इस बर्बरता को अंजाम देती है पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम। टीम में 4 से 7 सदस्य होते हैं, 2 सैनिक और बाकी आतंकी होते हैं। ये एलओसी पार करते हैं और गश्त कर रहे सैनिकों को निशाना बनाकर शव का अपमान करने से नहीं चूकते। ऐसे हमले माछिल सेक्टर में ज्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ पहाड़ ज्यादा घुमावदार है। किशन गंगा नदी एलओसी के साथ साथ बहती है, एलओसी से बहुत पीछे है। जवानों को पेट्रोलिंग फेसिंग के बिल्कुल करीब करनी होती है। हाथ लगाकर बैठे आतंकी और पाक सैनिक हमला कर वापस भागने में कामयाब हो जाते हैं। भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए पाक सेना की 4 चौकियों को तबाह कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक 1 कैप्टन समेत 4 पाक जवान मारे गए हैं। पाकिस्तान ने जब भी युद्ध किया है मूकी खाई है, जब जब सीज फायर तोड़ा है उससे करारा जवाब मिला है। इसीलिए वो भारतीय जवानों के शव के साथ बर्बरता पर उतर आया है। सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान का इलाज क्या है? पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज अगले हफ्ते अमृतसर आ सकते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि मेजबान होने के नाते भारत को द्विपक्षीय बैठक का प्रस्ताव रखना चाहिए, लेकिन एलओसी पर पाकिस्तान की हरकतों से आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। तो क्या एक सर्जरी काफी नहीं है? पाकिस्तान की सीरियल सर्जरी करनी होगी। देश प्रतिशोध से सुलग रहा है और चाहता है नापाक हरकतों का स्थायी जवाब। देश की बात के लिए ईटीवी नेटवर्क। लेकिन इस तमाम प्रतिशोध के बीच भी बार बार जो बात निकलकर सामने आती है और पक्ष और विपक्ष दोनों उस पर कहीं ना कहीं सहमत भी होते हैं, वो ये कि रास्ता बातचीत का ही है। चाहे स्थितियां जो भी हों उनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज भी दिया जाए, लेकिन बातचीत करके ही समाधान भी निकाला जाए। बहरहाल यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आपको लेकर चलेंगे बीबीसी के लंदन स्टूडियो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के लिए, और उसके बाद चर्चा होगी देश की संसद पर जो आज लगातार काम वहां पर नहीं हुआ है। स्वागत है एक बार फिर से आपका। नोटबंदी का आज 15वां दिन है, लेकिन ना तो एटीएम के बाहर कतारें खत्म होने का नाम ले रही हैं और ना ही संसद के अंदर गतिरोध कम हो रहा है। विपक्षी दलों के 200 सांसद आज मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में विपक्ष के सवालों का जवाब दे। तो दूसरी बड़ी मांग है नोटबंदी के फैसले पर जेपीसी का गठन हो, क्योंकि विपक्ष को इसमें घोटाले का अंदेशा है। कतारों में खड़े लोग अभी सब्र दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। गतिरोध खत्म करने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कल सुबह 10 बजे सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। सवाल है आखिर देश की संसद ठप करना क्या समाधान है? क्या प्रधानमंत्री को संसद में नोटबंदी पर बयान देना चाहिए? विपक्ष को क्यों लग रहा है कि इस फैसले के पीछे कोई घोटाला छिपा हुआ है, और क्या सरकार इस गतिरोध का हल तलाश पाएगी? इन सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के नेता पीएल पुनिया साहब, बीजेपी से ओम बिरला साहब और टीएमसी नेता सुल्तान अहमद साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ओम बिरला साहब आपसे करना चाहती हूं, प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं देना चाहते हैं? जी, प्रधानमंत्री जवाब देने को तैयार है। देश की संसद के अंदर, संसद के बाहर देश ने जिस दृढ़ निश्चयता से फैसला किया है,
वो देश की इकोनॉमी के लिए, देश के अर्थव्यवस्था के साथ व्यक्ति के जीवन बदलाव का एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव होगा। देश के अंदर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आम जन की सुविधाएं मिलें, समाज का के अंदर तमाम तबके का सामूहिक रूप से विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री कब जवाब देंगे बिरला साहब? जानती है ये देश के पहले बिरला साहब प्रधानमंत्री कल जवाब देंगे? प्रधानमंत्री तो देश के जवाब भी दे रहे हैं रोज, और कल देश की संसद के भीतर जवाब देंगे। संसद के अंदर कोई ये कहेगी प्रधानमंत्री आके जवाब दे, संसद के भीतर भी जब वक्त आने पर प्रधानमंत्री जी ने इंटरमीन किया है और ये प्रतिपक्ष की मांग की प्रधानमंत्री जवाब दे, ये इस तरीके से फैसले नहीं होते हैं। जब संसद चलेगी तो सारे वित्त मंत्री जी सारी बातों को रखेंगे, प्रधानमंत्री जी भी अपनी बात को हमेशा रखते हुए, और प्रधानमंत्री इतना नहीं, उन्होंने देश की जनता से अपने ऐप में सुझाव मांगे हैं, देश की जनता को, देश की जनता से सुझाव मांग रहे हैं, पार्टी के और पार्टी से जुड़े हुए संगठनों के कार्यक्रमों में जा रहे हैं, वहां पर भी बोल रहे हैं, लेकिन संसद के अंदर जवाब नहीं दे रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है प्रधानमंत्री संसद के भीतर जवाब देकर इस गतिरोध को खत्म क्यों नहीं कर देते? संसद के अंदर संसद चलाना नहीं चाहती प्रतिपक्ष, संसद को ये काम, संसद नहीं चलाना चाहती, ये काम पक्ष का होता है कि प्रतिपक्ष का होता है संसद चलाना? आज तक जिस राज आपका फ्लोर मैनेजमेंट पुअर है ओम बिरला साहब, सरकार ने राज्यसभा पे जिस 193 में जिस राज्यसभा पर बहस शुरू हुई थी, हमने कहा कि लोकसभा में 193 पर बहस शुरू करें, सरकार हर बहस का जवाब देना चाहती है, बहस करना चाहती है, राज्यसभा में बहस करते करते उन्होंने मुद्दों को चेंज करने का, परिवर्तन करने का काम किया। आज भी भारतीय जनता पार्टी या सरकार किसी भी तरीके से हर तरीके से संसद में बहस करने को तैयार है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने बार बार सदन में उठकर कहा है कि हम बहस के लिए तैयार हैं, प्रतिपक्ष संसद में बहस करे, क्योंकि ये बहस का एक प्लेटफार्म है, जो उनके अच्छे सुझाव आएंगे, महत्वपूर्ण सुझाव होंगे, देश के हित के सुझाव होंगे, उन सुझावों पर विचार भी किया जाएगा जी। संसद डिबेट के माध्यम से ही तो रास्ता निकलेगा। अगर वो आम गरीब व्यक्ति की चिंता कर रहे हैं, उनकी फिक्र कर रहे हैं, तो संसद में बहस करें, हम उन संसद की बहस का जवाब देंगे, उनके अच्छे सुझावों का अमल लाने का काम करेंगे, ताकि देश की आम जनता को जिस बात को लेकर, लेकिन वह गरीबी की आड़ का नाम लेकर, वक्त आने पर जवाब देंगे आप कह रहे हैं जी। पुनिया साहब वक्त आने का इंतजार बीजेपी कर रही है, और जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तब तक आप संसद नहीं चलने देंगे, ये साफ है। देखिए 16 नवंबर को जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू हुआ तो लोकसभा उस दिन स्थगित होगी, क्योंकि सिटिंग मेंबर की डेथ हुई थी, और राज्यसभा में शुरुआत से पहले पल से डिस्कशन शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आनंद शर्मा जी ने अपने बातें रखी, उसके बाद जितने भी प्रमुख राजनीतिक दल हैं सब उन्होंने बात रखी, और हरेक कहते रहे कि प्रधानमंत्री जी कल आके इसमें हस्तक्षेप करें या इसका जवाब दें। लेकिन सुबह सुबह दूसरे दिन सवेरे जब चेयरमैन के कक्ष में सभी पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें जो मुद्दा उठा, सरकार की तरफ से कहा कि प्रधानमंत्री जी नहीं आएंगे, केवल और केवल वित्त मंत्री देंगे। हमने कहा कि भाई ये कैसे संभव है, एक इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा निर्णय जो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संदेश खुद देते हैं, वो वित्त मंत्री नहीं देते, वो प्रधानमंत्री देते हैं, तो उनको आने में क्या दिक्कत है जी? सरकार और प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी हैं, तो बाहर बाहर गोवा में जाके, गाजीपुर में जाके और कंसर्ट, म्यूजिकल कंसर्ट में, उसके लिए तो उनके पास समय है, लेकिन पार्लियामेंट के लिए समय नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो गतिरोध उत्पन्न हुआ है वो केवल प्रधानमंत्री जी की वजह से और सरकार की वजह से गतिरोध उत्पन्न हुआ है। विपक्ष को दोष देना पूरी तरह से गलत है, गैर वाजिब है जी। लेकिन विपक्ष की ये मांग कितनी सही है, किसी फैसले पर, सरकार के किसी फैसले पर आज तक जेपीसी का गठन हुआ है? सुल्तान अहमद साहब आप बताइए, मैं आपके पास आऊंगी पुलिया साहब वापस। सुल्तान अहमद टीएमसी से आप बताइए, किसी भी सरकार के फैसले पर, किसी डिसीजन पर क्या कभी कोई जेपीसी बनी है? अगर कहीं भी घोटाला नजर आता है या संदेह होता है तो विरोधी ने जेपीसी का डिमांड किया है,
और ये कोई नई बात नहीं है, जेपीसी का डिमांड पूरा देश रास्ते में है, सड़क में खड़ा है, बैंक्स में जा रहे हैं, उनका अपना खटा कमाई का रुपया वो निकाल नहीं सकते। सुल्तान अहमद साहब, आपको याद है देश के भारतीय संविधान के इतिहास में सरकार के किसी भी फैसले पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हो इस तरह से? नहीं, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी संसद का पूरा इख्तियार है कमेटी बनाने का। अगर कहीं ये पूरा संसद के अधिकार में है, अगर संसद स्पीकर चाहें और संसद के जो हमारे मेंबर हैं इनका अगर डिमांड हो तो जेपीसी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों का यह है, जेपीसी तो सरकार एक खिलवाड़ की तरह लाना चाहती है, लेकिन हम ये चाहते हैं ये जो देश में हो रहा है या जो हुआ है, देश को पीछा छोड़ दिया है। आज घोटाले के नाम पे जो बातें हो रही हैं, घोटाला तो इस देश में नया नहीं है, अरसों से घोटाला सामने आ रहा है। ब्लैक मनी विदेश से लाने की बात किसने कही थी? प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था। वो एक अलग मुद्दा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष की जो मांग है वो कितनी सही है जेपीसी के गठन को लेकर? नहीं, इस तरह का विपक्ष ने अब तक कोई फ्लोर में कोई डिमांड नहीं किया है जेपीसी का। फ्लोर में ये डिमांड नहीं आया। हम 56 में आलोचना चाहते हैं जी, चर्चा चाहते हैं जी। 56 के चर्चा के बाद ही ये पता चलेगा कि संसद जेपीसी का डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपको मिस इन्फॉर्म है कि पूनिया साहब, हम तो लगातार सुन रहे हैं कि जेपीसी बने। यहाँ सुल्तान अहमद साहब जो बात बोल रहे हैं उसको सही माने, ऐसी कोई मांग नहीं की जा रही है, हमारी सूचना गलत है, या फिर जेपीसी की मांग लगातार हो रही है देश में विपक्ष की तरफ से? देखिए, हमारी पार्टी की तरफ से बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम काला धन खत्म होना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, फेक करेंसी का समूल नाश होना चाहिए, यह हमने स्पष्ट रूप से कहा है। और इस निर्णय में जो आम जनता को जो कठिनाई हुई है उसका भी व्यापक रूप से खुलासा किया है। और तीसरे, हम लोगों ने यह आरोप लगाया है इस सरकार के द्वारा अपने चहेते लोगों के लिए अपने लोगों को पहले से इसकी सूचना दे दी गई, और तो बहुत बड़ा घोटाला उसमें हुआ है और उसका उदाहरण भी दिया है। वेस्ट बंगाल के बीजेपी की स्टेट यूनिट, उसका अकाउंट शीट हमने प्रेस को रिलीज की है, उसके स्टेटमेंट, और उसमें उनके अकाउंट में सिर्फ 8.5 लाख थे, और 8 तारीख को जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की है उसी दिन के दौरान एक बार 60 लाख जमा होता है, फिर 40 लाख जमा, 1 करोड़ रुपया उसमें जमा होता है। ये तो हमें ये बैंक की स्टेटमेंट अवेलेबल है, लेकिन बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में उनके अकाउंट में कितना जमा हुआ है, ये घोटाला ये जेपीसी के माध्यम से बैंकों को तलब करके, शीट तलब करके ये सब पता लग सकता है। और उसके अलावा जो देखते हैं कि सरकार से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो कोई लाइन में नहीं लगा है। क्या उनका इंतजाम अलग से सरकार ने कर दिया है जिसकी वजह से वो प्रसन्न है, घर भर रही है जब पूरे देश, हालांकि देश के प्रधानमंत्री की माँ तो कतार में नजर आई हैं, उनकी माता जी, लेकिन ओम बिरला साहब, विपक्ष को अगर लगातार ये लग रहा है, बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि आपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ लोगों को पहले बता दिया था, और आप बार बार ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो जेपीसी बनाने में क्या परेशानी है? इनके नेता राहुल गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी, अभी सुबह कह रहे थे हम जेपीसी की मांग करते हैं, फिर ये कहते हैं कि देश के वित्त मंत्री जी को पता नहीं, कुछ लोगों को पता है। जब इस देश के अंदर इनके प्रतिपक्ष के नेताओं के 3 बार के बयान देखो तो तीनों बार के बयान अलग अलग तर्कों पर अलग अलग तरीके से हैं। ये पूनिया साहब, देश है और देश की जनता जानती है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के यहाँ घोटाले का कोई स्थान नहीं है। घोटाले का स्थान 46 साल तक आपकी सरकारों में रहा है,
यहाँ गरीब के लिए मध्यम ओम बिड़ला साहब अगर नहीं है, अगर नहीं है, आप लोग साफ सुथरे हैं, सब कुछ मंशा भी साफ है, जनता भी आपके साथ है, सब कुछ आप बता रहे हैं, तो उसमें फिर जांच बैठा दी जाए तो दिक्कत क्या है, ये बता दीजिए ना विपक्ष को। ये हर मुद्दों की बात करेंगे, हर मुद्दों की जांच बिठाने नहीं बैठेंगे। देश की जनता जानती है कि ये पारदर्शी सरकार है, ये जवाबदेही सरकार है। अगर कोई तथ्य तर्कों के आधार पर बात करेंगे तो सब तरीके की जांच करने की आवश्यकता हो तो पश्चिम बंगाल की बैंक की बैलेंस शीट दिखा रहे हैं ना ये लोग, पश्चिम बंगाल बैंक का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कांग्रेस वाले, आप बता दीजिए कि नहीं सब कुछ ठीक था। कोई बता दें कोई भी बैलेंस शीट किसी के भी खाते में अभी भी लोग पैसा जमा करा रहे हैं, किसी का पास पैसा जमा कराने की रोक टोक अभी भी नहीं है। कोई मेरा पैसा अगर पड़ा हुआ है तो वो बैंक में जाकर जमा कराए, इनकम टैक्स की जांच करेगा। पैसा जमा करने का अधिकार आज भी सुरक्षित है 30 दिसंबर तक लोगों के पास। माननीय पुनिया साहब, एक करोड़ आपने जमा कर दिया, दिसंबर तक जमा करा सकते हो, उसका बताना पड़ेगा, लाख करोड़ रुपए वो भी 8 तारीख को वो भी जमा करा, उसकी रोक टोक नहीं है बिरला साहब, रोक टोक नहीं है, आज भी हो रहे हैं, सब कुछ आपकी बात सही है, आपकी बात एकदम सही है। विपक्ष की छोटी छोटी मांग है, तर्क दे रहे हो, देश देख रहा है उस तर्कों को कि 30 दिसंबर तक पैसा जमा कराने का समय है आपके पास। अरे अगर देश तो ये भी देख रहा है आपके पास, यूपीए सरकार में लोकपाल की नियुक्ति हुई, उसका कानून पास किया, आपके 2.5 साल हो गए, लोकपाल क्यों नहीं नियुक्त किया, क्यों नहीं नियुक्त हुआ? गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे 10 साल तक, लोक आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई, हम लोग 10 साल तक करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक आप चलते हैं धन पर, ये तो आपकी नोयत है। धन पर पहले लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं की? 2.5 साल हो गए, गठन किया तो 2.5 साल हो गए, क्यों नहीं नियुक्ति की? भाई यूपीए सरकार में लोकपाल बिल पास किया था, तो पहले साहब बड़ी इंटरेस्टिंग उनकी दलील है कि विपक्ष का नेता ही नहीं है, सवाल ना पूछे विपक्ष का नेता ही सवाल ना पूछे लोकपाल तो सरकार से सवाल पूछेगा, विपक्ष के नेता नहीं है, इनके विपक्ष के अलग अलग दल के नेता अलग अलग वक्तव्य जारी कर रहे हैं। सुल्तान अहमद साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, आज वो कानून में संशोधन आपने कर लिया है, वो आपको नहीं पता है जी, कानून में संशोधन कर लिया है कि जो किसी भी दल का सबसे ज्यादा सदस्य होंगे वो उसमें भाग लेगा जी, उसका संशोधन हो चुका है जी, ये बड़ी कठिनाई नहीं है, इस सवाल से सरकार बच नहीं सकती है। गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे 12 साल में 10 साल तक कोई लोक आयुक्त नहीं था जी, इस सवाल से सरकार बच नहीं सकती है, जवाब देना होगा, जवाब पूछा जा रहा है सरकार से। लेकिन अहमद साहब, सुल्तान अहमद साहब, भ्रष्टाचार को रोकने के कोई कारगर उपाय नहीं बनाए। ओम बिरला साहब, सीधा सीधा सवाल आज आपसे पूछा गया है, सबसे बड़ी अदालत की तरफ से भी, सब विपक्ष पूछ रहा है लगातार, और आपको नियुक्ति तो करनी पड़ेगी, बच नहीं सकते हैं, जिम्मेदार सरकार जवाबदेही देती है। लेकिन सुल्तान अहमद साहब, आपने जो वक्त दिया था टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने कहा था 3 दिन में वापस ले लीजिए, नहीं तो सड़कों पर आएंगे, 3 दिन तो निकल चुके हैं, 15 दिन निकल चुके हैं, अब क्या तैयारी है सड़कों पर इसी तरह से प्रदर्शन? ये आज आपने देखा होगा, दिल्ली में हमने प्रदर्शन किया है, हमारी सुप्रीमो ममता बनर्जी दिल्ली में है, ये हमारा जो आंदोलन है चल रहा है, 29 को ममता बनर्जी लखनऊ जा रही हैं। लेकिन अहमद साहब, उसके बाद पटना जाएंगी, पंजाब जाएंगी, गुजरात भी जाने का उनका इरादा है, पूरे देश की जनता के सामने ये जो ब्लैक मनी के नाम पे गरीब जनता पर अत्याचार किया जा रहा है, इसके खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने लड़ाई छेड़ा है, तमाम पार्टी अपोजिशन की यूनाइट हुई है, यूनाइटेड वे में हम लोग लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। सुल्तान अहमद साहब, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बाहर में बयान देते हैं, गरीब की आड़ के अंदर आपका काला धन नहीं बचाया जा सकता? नहीं नहीं, आप गरीबों को भूल गए, आपने कहा था 2014 में स्विट्जरलैंड के बैंक में काला धन पड़ा हुआ है, कुछ है आपके प्रधानमंत्री ने दिखाया था, सरकार आई है, आपका वादा है कि हर इंडिविजुअल के बैंक अकाउंट में 15 लाख हम देंगे जी, किसने कहा था जी? लेकिन सुल्तान अहमद साहब, आज इस स्थिति में गरीब जनता को बैंक के बाहर लाइन में खड़ा कर दिया है,
सुल्तान अहमद साहब जो कतार में खड़ी जनता है, संसद के अंदर संसद के बाहर, सुल्तान अहमद साहब कतार में खड़ी जनता अभी भी सरकार के इस फैसले के समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इतनी तकलीफ और परेशानी के बाद भी आप महसूस करते हैं उस जनता, कितने भी न्यूज चैनल ने सर्वे कराया, कितने अखबार न्यूज ने सर्वे कराया, 86-87% जनता जो कतार में खड़ी है, छोटे बाजार बंद हो रहे हैं, देश के अंदर ये फैसला ठीक है, काले धन को रोकने के लिए, ड्रग की तस्करी के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए। ओम बिरला साहब, ओम बिरला साहब प्लीज स्पेसिफिक जवाब दीजिए। ओम बिरला साहब, ये सच है, ये सच है, आप इस बात को मानते हैं? सुल्तान अहमद साहब प्लीज मुझे जवाब दे दीजिए। पार्लियामेंट है, ओम बिरला साहब, इस बात में सच्चाई है कि नीचे के लेवल पे जो बिजनेस है, छोटे व्यापारी हैं, उनका बिजनेस, किसानों की फसल, सब कुछ अभी ठहर सा गया है जीवन, ये सच है, आप इस बात को मानते हैं? कहीं नहीं ठहरा मीना जी, 21,000 करोड़ रुपए नाबार्ड के माध्यम से हमने कोऑपरेटिव बैंकों में दिया है, किसान की रबी फसल के लिए बीज खाद उसके काम के लिए दिया है, छोटे व्यापारी नीचे मध्यम व्यापारियों का जिस तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, वापिस आएंगे तो आपको मिलवाएंगे देश की एक और सफल बेटी से, बस आप देखते रहिए ईटीवी हमारे साथ। और देश की बात बेटियों के सम्मान के बिना अधूरी है। आज आपको लेकर चलते हैं बिहार, मिलवाते हैं फतेहपुर गांव की मुन्नी कुमारी से। कहते हैं बिहार की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, 7th क्लास में पढ़ने वाली मुन्नी भी उसी मिट्टी से निकलकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इग्नाइट पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। अक्सर आपने सुना होगा कि गाड़ी में बच्चों के हाथ आने से चोट लगने की खबरें आती हैं। मुनि ने आइडिया दिया कि कार के गेट में अलार्म लगा दिया जाए। देश भर के 55,000 से ज्यादा बच्चों से मिले आवेदनों में से सिर्फ 32 छात्रों के आइडियाज सेलेक्ट हुए थे, जिसमें से मुन्नी एक है। गरीब परिवार की इस बेटी के दादा बैलगाड़ी चलाते थे और पिता राजमिस्त्री का काम करके दो वक्त की रोटी जुटाते हैं, लेकिन ये बेटी देश में भविष्य की इंजीनियर बनना चाहती है। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही, आप भी अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, Facebook पर लाइव देख सकते हैं, प्रदेश की टीम की वेबसाइट पर आप अपने सुझाव दे सकते हैं, अपने आसपास की खबरों को हमसे साझा कर सकते हैं। इस वक्त मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।